चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, थोड़ा बहुत लोकेशन को सर्च किया, और आप लोगों ने भी अपने एटलस में जा करके लोकेशंस को देख लिया होगा। ठीक है, आगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को आगे और पढ़ना शुरू करते हैं। और पढ़ने से पहले क्या करेंगे, पूरी क्लास को हमें एक बार रिकॉल करना है। ठीक है, आप लोग साथ साथ सपोर्ट करेंगे, बोलते भी रहेंगे और खुद सोचने की कोशिश करेंगे कि लोकेशंस आपको दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। ठीक है, कमोबेश ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है। ठीक है, इधर कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, देखिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ, देखिए एक बार हमें रिकॉल करना है, फिर से सब लोग बोलिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल में कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरे नंबर पे है, और पॉपुलेशन में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसके मुख्य देश में कौन कौन से देश आते हैं, सबसे नॉर्थ में, नॉर्थ से साउथ की तरफ आप चल रहे हैं, आपको कंट्री दिखना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको कौन सा देश मिलेगा, कनाडा मिलेगा, कनाडा के बाद यूएसए, फिर मेक्सिको, फिर छोटा देश मिलेगा ग्वाटेमाला, उसके बाद आप किस अटलांटिक ओशियन के तट पर देखेंगे तो कौन सा महासागर मिलेगा आपको, सॉरी कौन सा देश मिलेगा, बेलीज मिलेगा, उसके बाद पैसिफिक ओशियन के तट पर देखेंगे तो आपको एक देश मिलेगा एल सल्वाडोर। कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, उसके बाद में होंडुरास, फिर निकारागुआ, फिर कोस्टारिका, और सबसे लास्ट में देखेंगे जो देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से टच होता है, क्या नाम है इसका, पनामा नाम है। ठीक है, आपने देखा था नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर, नॉर्थ अमेरिका के पूरब में कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, आज हम कुछ नई चीजों को देखते हैं, आर्कटिक ओशियन। देखिए महासागर एक विस्तृत जलीय भाग होता है, और इस महासागर का क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, जो जलीय भाग होता है, क्षेत्रीय जलीय भाग होता है, उसी उसको किसी सागर या खाड़ी के नाम से हम डिनोट करते हैं। तो अगर आर्कटिक ओशियन में यहां कनाडा से उत्तर में यहाँ का जो जलीय क्षेत्र देखेंगे तो ये कौन सा सागर है, आप अपने मैप में देखेंगे तो सीधे लिखा होगा बीफोर्ड सागर, यानी कि बीफोर्ड सागर किस महासागर के अंतर्गत आता है, आर्कटिक ओशियन के, और कनाडा के किधर है ये, उत्तर में। ठीक है, उसके बाद में अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो यहाँ कनाडा से किधर, पूरब में, किस सागर में, अटलांटिक महासागर में एक सागर है, इसका नाम क्या है, लेब्राडोर सागर। ठीक है, कनाडा का लेब्राडोर प्रांत है, और लेब्राडोर प्रांत के आसपास का जो अटलांटिक महासागर का जलीय क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं, लेब्राडोर सागर। कहने का मतलब ये किस महासागर का जलीय भाग, क्षेत्रीय जलीय भाग है, अटलांटिक महासागर का। उसके बाद में अगर मध्य में आप देखते हैं तो एक सागर कौन सा पड़ता है, सार्गेसो सागर, ये भी किस महासागर का हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये सब लोकेशन आप देखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा देखते हैं तो यहां जो मध्य अमेरिकी देश हैं इनके किधर, पूरब में अटलांटिक महासागर में एक क्षेत्रीय जलीय भाग है जिसे क्या बोलते हैं, कैरेबियन सागर, और कैरेबियन सागर में जो प्रमुख देश है उसे क्या बोलते हैं, कैरेबियन कंट्री या कैरेबियन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्यूबा का, हैती का, जमैका का। ठीक है, ये सारे कैसे देश हैं, कैरेबियन कंट्री है, और ये कैरेबियन कंट्री यहाँ पर कैरेबियन सागर है, इस सागर के नाम से इनका नाम पड़ा है, क्या नाम है, कैरेबियन सागर, यानी अटलांटिक महासागर का जो सबसे उत्तर में लेब्राडोर, इसके दक्षिण में सार्गेसो सागर, इसके दक्षिण में कैरेबियन सागर। प्रशांत महासागर का अलास्का के आसपास एक जलीय क्षेत्र है जिसे किस सागर के नाम से जानते हैं, बेरिंग सागर, बोरिंग मत पढ़िएगा, ठीक है, नाम क्या है, बेरिंग सागर। देखिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर में बीफोर्ड सागर कनाडा के उत्तर में, ठीक है, अमेरिका और कनाडा के पूरब में क्या, लेब्राडोर सागर, मध्य में सार्गेसो सागर, और जो मध्य अमेरिकी देश हैं उनके पूरब में कैरेबियन सागर। ठीक है, इतना मिला। देखिए कल लोकेशन आपने लिखा था उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पहला,
पहला लोकेशन आपने आर्कटिक ओशियन, फिर अंटार्कटिक ओशियन, और अब देखिए आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर आपने लिख लिया था कल, और इस महासागर के अंतर्गत कौन सा सागर आप पढ़े? ब्यूफोर्ट सागर। उसके बाद में दूसरा शब्दों को ध्यान दीजिएगा, राइटिंग बहुत किसी पिटी टाइप की है, ठीक है, अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आपने तीन सागर देखा, तीन क्षेत्रीय जलीय भाग देखा, एक लेब्राडोर सागर। मैं लिख यहां रहा हूं, आपके दिमाग में लोकेशन चलनी चाहिए कि कहां पर लेब्राडोर सागर है अटलांटिक महासागर में। उसके बाद में सार्गेसो सागर, और सार्गेसो सागर के बाद में सबसे दक्षिण में कैरेबियन सी या कैरेबियन सागर। उसके बाद में तीसरा महासागर जो यहां पर देखे थे, क्या नाम है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में एक आपने क्षेत्रीय जलीय भाग अलास्का के पास देखा, क्या नाम है? बेरिंग सागर, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास का रिवीजन हो गया और तीन नई लोकेशन आज आपने देखा, ब्यूफोर्ट सागर, लेब्राडोर सागर, सार्गेसो सागर, कैरेबियन सागर और बेरिंग सागर, ठीक है। क्रमशः एक बार फिर से कंट्रीज पर नजर डालते हैं, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। देखिए जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके जितने भी देश हैं वो या तो प्रशांत महासागर और लेब्राडोर, सॉरी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दोनों महासागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे कनाडा ले लीजिए, तो कनाडा के पूरब में कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। और कनाडा के पश्चिम में कौन सा महासागर? ऐसे अमेरिका ले लीजिए, तो अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर और अमेरिका के पूरब में, कहने का मतलब जितने भी देश हैं उनकी सीमा दोनों महासागर से लगती है, ठीक है। लेकिन दो कंट्री ऐसे हैं जिनमें से एक देश है क्या? बेलीज। इसकी सीमा केवल अटलांटिक महासागर से लगती है, आप मैप में देखेंगे तो जो बेलीज है इसकी सीमा किससे लगती है, यानी कि ये किस महासागर के तट पर ये देश है? केवल अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर से इसकी सीमा नहीं लगती। और दूसरा एल साल्वाडोर, इसकी ये किस महासागर के तट पर है? प्रशांत महासागर के तट पर है, ये अटलांटिक महासागर के तट पर नहीं है। और जितने भी कंट्री हैं उनकी सीमा प्रशांत महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर, दोनों महासागर से लगती है। तो आप जीएस के रूप में एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में जितने भी देश हैं इनकी, इन सभी देशों की सीमाएं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से लगती हैं, लेकिन बेलीज एक ऐसा देश है जिसकी सीमा केवल अटलांटिक महासागर से लगती है, जबकि एल साल्वाडोर एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा केवल प्रशांत महासागर से लगती है। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, देखिए कोई देश है, ये कोई कंट्री है, इसके चारों तरफ ऐसे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, स्थल वाले पड़ोसी देश हैं। कहने का मतलब है ये ऐसा देश है जिसकी सीमा किसी सागर से या समुद्र से नहीं लगती। चारों तरफ जो देश हैं क्या हैं? ये चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ देश है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप नेपाल ले लीजिए, नेपाल देख रहे हैं, नेपाल की सीमा किसी सागर से या समुद्र से लगती है? हिंद महासागर से लगती है? नहीं लगती। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन, ठीक है, चीन और भारत के बीच में भूटान ले लीजिए, ठीक है, चीन इधर भारत, ठीक है। तो ऐसे देश जो चारों तरफ किससे? स्थल से घिरे हुए हों, उनको क्या बोलते हैं? लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक कंट्री, या हिंदी में बोलते हैं भू आबद्ध देश या स्थल अवरुद्ध देश, ठीक है। ऐसा देश जिसके चारों तरफ स्थलीय सीमा हो उसे क्या बोलते हैं? स्थल अवरुद्ध या लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई भी देश स्थलरुद्ध नहीं है। यहां पर जितने भी देश हैं सबकी सीमाएं, ठीक है, किसी ना किसी विस्तृत जलीय भाग या किसी ना किसी सागर या महासागर से टच होती हैं, ठीक है। एकमात्र इकलौता ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, जिस महाद्वीप में कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं,
लिख लीजिए आप लोग कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी लैंडलॉक